अकाली दल के नेता और साबका स्पीकर निर्मल सिंह काहलों के देहांत परिवार नाल दुख साझा करन भाजपा नेता सुनील जाखड़ और मनजिंदर सिंह सिरसा हलका फतेहगढ़ चूड़िया के पिंड दादू जोत पहुंचे। उन्होंने कहा कि भावें निर्मल सिंह काहलों नाल उन्होंने राजनीतिक मतभेद होन लेकिन वह एक सूझवान नेता सन जिसका घाटा जिथे परिवार को है उत्थे पंजाब की राजनीति में है। उत्थे पत्रकारां नाल गलबात करदे उन्होंने आम आदमी पार्टी तिखे निशाने कसते हुए कहा कि पंजाब विच इक साफ सुथरा राज दा दावा किया जा रहा है और दिल्ली मॉडल पेश किया जा रहा है लेकिन जो दिल्ली विच आबकारी नीति को लेकर आप ते घेरा पै रहा है उसका जवाब अरविंद केजरीवाल देन। उत्थे श्रोमणी अकाली दल नूं सुनील जाखड़ ने एक पंथ की पार्टी आख्या और कहा कि जो अज इस सिद्धांतों वाली पार्टी का बुरा हाल है वह प्रकाश सिंह बादल के पुत्र की मोह की वजह नाल है। उन्होंने कहा कि अकाली दल एक पंथ की पार्टी है कोई निजी परिवार की पार्टी नहीं और परिवार के घेरे तो बाहर हुण आवेगे ता ही अपनी पार्टी थां बना पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट आल पंजाब न्यूज़। कालों साहब दे क्योंकि उन्होंने जो तो स्पीकर से विधानसभा भी उन्होंने काम करने का मौका मिले अदरवाइज भी उन्होंने बड़ा आपसी जिस किस्म का सहयोग सीगा चाहे राजनीतिक साढ़े विचारधारा अड अड सी पर उन्होंने अकाल चलाने ते इतने आ के परिवार नाल दुख सांझा किया इस करके अज इतने आने का सबब बने जी। जाखड़ साहब सरकार अज गैंगस्टरां दे जिहड़े दोष ला रही है कि पिछलियां सरकारां दा कसूर ही। चलो दोष तो लगते रहेंगे सब दोष सरकार आपस एक दूजे ते छींटाकशी चलती रहनी है पर एक गल मैं जरूर अज कहना चाहूँगा पंजाब दे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी नूं ते पंजाब दे सुपर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब नूं भी औरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीयत इत्थे टंडोरा पिट रहे है सारे पंजाब दे अंदर भी भ्रष्टाचार असी निबेड़ देना है जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन ते दिल्ली मॉडल दा जिहड़ा इत्थे लै के आए है एक्साइज पॉलिसी अज उन्हां दे उत्ते सीबीआई दी इनक्वायरी जो कुछ उत्थे चल रही है। मेरी एक बेनती है कि पहला आप दे पीढ़ी दे हेठां सोटा मार के देखण केजरीवाल साहब एवें ना चाहे अज मैं कांग्रेस पार्टी च नहीं पर मैं समझदा भी सारे कांग्रेसियों का उन्होंने सुकने पा रखे है रोज़ कह दें मैं या तो कोई कार्रवाई करके दिखाण कोई है पुख्ता करन पहला अपना घर सही करन आ सबूत देन भी जो कुछ भी एक्साइज पॉलिसी नूं लैके जिहड़ी सारियां गल्लां सरसा साहब ने दिल्ली वाली जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी की पोल खोली सी चंडीगढ़ आके जदों इन्होंने जिस दिन विधानसभा लैके आए है उस दिन इन्होंने सारियां गल्लां उहदी पोल खोली सी अज जो सारे का सारा देना इन्हां नूं देना पऊगा पंजाब दे लोकां दे अखां च घटा ना पाण पहलां दूजे जिहड़े सीगे कोई पंथ दे नां ते पंजाब नूं लुट के लै गया ते अज कोई जिहड़ा है करप्शन दे नां ते लोकां दी अखां च घटा पाणा बंद करे पंजाब दी गल करो पंजाबीयत दी गल करो पंजाब नूं अगे किवें लै के जाणा है उहदी गल कोई करी नहीं जांदे ते टंडोरा पिटी जांदे है अपना आप देखण पहलां आईना देखण उहदे बाद किसे ते छींटाकशी करदे लगातार अकाली दल च बगावत हो रही है मैं समझदा भी समझदार आदमी नूं इशारा ही काफ़ी हुंदा है। बादल साहब बहुत पहला समझ गए सी पर मैं उन्हां दी मजबूरी समझदा भी त्रिराष्ट्र वाली पोजीशन अज उन्हां दी बनी खड़ी है पुत्र मोह दे अंदर आ के एक पंथक पार्टी है ते पंथ दी रखवाली दे तौर ते इहनूं पंथ दा चाहे साढ़े राजनीतिक विरोध रहे मैं पहले दिनों मन्निया भी जिहड़ी अकाली पार्टी है उस संघर्ष ते कुर्बानियां च निकली हुई पार्टी है लीडरशिप के अंदर दोष हो सकता पार्टी की पॉलिसी के अंदर कोई किसी किस्म का उन्होंने जिस सोच न अकाली दल की होंद आई सी उस कोई फर्क नहीं पर लीडरशिप चेंज द ही अज मंग है तो मैं समझदा समा जा रहा है बाइजत जाएंगे या बाक सीट जाएंगे जाना पेगा क्योंकि पंथ जड़ा है इस गल स्वीकार नहीं करना पंथ किसी परिवार की बपौती नहीं पंथ के उत्ते जिहड़ा पंथ की रखवाली कर सकता है वह बंदा ही कामयाब होगा उन्होंने ही लोग स्वीकार करेंगे बाकी समय दी गल्लां तो होगा। मैं कुछ कहना आई एम नॉट कंपीटेंट मैं तो आप अजे जुमा जुमा दो महीने नहीं होए ये वास्ते मेरे तो पुराने लीडर खड़े है बीजेपी के उन्होंने तुम गल पंजाबीयत वास्ते और पंथ वास्ते बहुत लंबा पैरा जिन्होंने दिता ऐसे परिवार के कोल पहुंचे हाँ और बहुत वड्डा ये घाटा पंजाब नूं और पंजाब दे लोगां नूं होया। कालू साहब का स्पीकर साहब का जाना एक राजनीति का
अध्याय खत्म होया है, जिस अध्याय दे ओ थानी रहे, जिस दे उन्होंने उस इतिहास को देखा परख्या और उसके उन्होंने पहरा दिता। अज अफसोस आ कि शायद उस सोच के लोग ही अकाली दल दे विच नहीं रह गए, जिहड़े सीगे वो इस दुनिया च नहीं रहे, इस गल का अफसोस है।